प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट थर्ड के सेकंड पेपर द्वितीय विश्व युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं भारतीय विदेश नीति के तहत विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी एवं संगठन के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। क्योंकि आप सभी को मालूम है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के तहत अनेक बार विभिन्न एजेंसियों और संगठनों के संक्षिप्त नाम पढ़ने को मिलते हैं। आइए आज हम उन संक्षिप्त नामों को समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि परीक्षा में भी कई बार ऐसे प्रश्नों पर टिप्पणियां, शॉर्ट नोट लिखने के लिए प्रश्न आ जाते हैं। तो इससे सबसे पहले इस क्रम में हम एफएओ के बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि एफएओ है क्या। एफएओ मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में खाद्य एवं कृषि संगठन। ये क्या है, इसकी स्थापना कब हुई और इसके कार्य क्या हैं, उसको जानते हैं। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कृषि उत्पादन, वानिकी और कृषि विपणन संबंधी शोध विषय का अध्ययन करता है। यह संगठन खाद्य एवं कृषि संबंधी ज्ञान और जानकारियों के आदान प्रदान करने का मंच भी है। इसके साथ साथ यह इन क्षेत्रों में विभिन्न देशों के अधिकारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था भी करता है। विकासशील देशों में कृषि के विकास में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। एफएओ अर्थात कृषि एवं खाद्य संगठन विकासशील देशों को बदलती हुई तकनीक जैसे कृषि, पर्यावरण, पोषक तत्व, खाद्य सुरक्षा के बारे में जानकारी भी देता है। यह संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशिष्ट संस्था है और उसी के अंतर्गत कार्य करता है। इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को इटली के रोम में हुई थी। अगस्त 2019 में से वर्तमान में इसके महानिदेशक चू डोंगयू जो चीन के हैं वो कार्य कर रहे हैं। आशा है आपको एफएओ के बारे में, खाद्य एवं कृषि संगठन के बारे में जानकारी प्राप्त हुई होगी। अब हम आईएईए इसके बारे में जानने की बात करते हैं। इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी अर्थात अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा अभिकरण। ये क्या है, यह एक स्वायत्त विश्व संस्था है जिसका उद्देश्य विश्व में परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना है। यह परमाणु ऊर्जा के सैन्य उपयोग को किसी भी प्रकार रोकने में प्रयासरत रहती है। अर्थात जो एटॉमिक एनर्जी है उसका उपयोग पीसफुल डेवलपमेंट के सकारात्मक कार्यों के लिए काम में आना चाहिए, ना कि विध्वंसात्मक कार्यों में। इस कार्य को ये देखता है। इस संस्था का गठन 29 जुलाई 1957 को हुआ था और इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना में है। संस्था ने 1986 में रूस के चेर्नोबिल में हुई नाभिकीय दुर्घटना के बाद अपने नाभिकीय सुरक्षा कार्यक्रम को विस्तार भी दिया था। वर्तमान में इसके महासचिव मिस्र के जो मोहम्मद हैं अलवारदई को संयुक्त रूप से 2005 का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसके सबसे पहले महासचिव डब्ल्यू स्टर्लिंग कोल जो 1957 से 1961 थे वो थे, और इसके बोर्ड के 35 सदस्य देशों में से 26 सदस्य देश नाभिकीय आपूर्तिकर्ता समूह के हैं। नाभिकीय आपूर्तिकर्ता समूह के देश हैं, इन 35 देशों में 26 देश इसके होते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि आईएईए अर्थात अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा अभिकरण का मूल कार्य क्या है, कि किस प्रकार एटॉमिक एनर्जी का प्रयोग किसी सैन्य उपयोग के लिए, आर्मामेंट के उपयोग के लिए ना हो, बल्कि पैसिफिक और देश के विकास के लिए, पोषणीय विकास के लिए इसका काम में लिया जाए, इस चीज़ को ये चेक करती है और देखती है। अब हम इसी क्रम में एक अगला संगठन है, उसका नाम एजेंसी है आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। यह अंतर्राष्ट्रीय आधारों पर मजदूरों तथा श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए नियम बनाता है। यह संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट संस्था है। इस संगठन का उद्देश्य संसार के श्रमिक वर्ग की श्रम और आवास संबंधी अवस्थाओं में सुधार करता है। इस संगठन का उद्देश्य संसार के विभिन्न श्रमिक वर्ग की श्रम और आवास संबंधी अवस्थाओं सुधार करने के साथ साथ प्रथम बार इसका जो है 1919 में यूएनओ गठन हुआ था। उसके बाद जब 1945 में यूएनओ गठन हुआ तब 1940 में इसका गठन हुआ। तो इसका दो बार इसका गठन हुआ है। पहली बार सबसे पहले जब लीग ऑफ नेशन बन रही थी उस समय 1919 में हुआ।
जब 1945 में यूएनओ गठित हुआ तो उसके बाद दोबारा ये रिवाइज हुआ और तब इसका गठन हुआ 1940 में, और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। तो आप समझ गए हो आईएलओ का मूल कार्य क्या है, श्रमिकों की दशाओं में, अंतर्राष्ट्रीय दशाओं में सुधार करना, उनके हितों की रक्षा के लिए नियम बनाना, ये सारी बातें आईएलओ पूरे वैश्विक स्तर पर देखता है। अब आए आईएमओ, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन। ये क्या कार्य करता है, यह संयुक्त राष्ट्र संघ की भी एक विशिष्ट एजेंसी है जो जलयानों के यातायात को नियंत्रित करने के लिए अधिकृत है। इसे 1982 तक अंतर सरकारी समुद्री सलाहकारी संगठन मैरीटाइम कंसल्टेटिव ऑर्गेनाइजेशन आईएमसीओ भी कहते थे। इसकी स्थापना 17 मार्च 1958 को जिनेवा में हुई थी और लंदन, यूके के लंदन में इसका मुख्यालय है। ये इसका अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का ध्वज है जो कि यूएनओ के चार्टर में हमें कई बार देखने को मिल जाता है। अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या है और इसके क्या कार्य हैं, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष किसे कहते हैं और इसके क्या कार्य हैं। यह भी एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो अपने सदस्य देशों की वैश्विक आर्थिक स्थिति पर नज़र रखने का काम करती है। यह सदस्य देशों को आर्थिक और तकनीकी सहायता प्रदान करती है। यह संगठन अंतर्राष्ट्रीय विनिमय दरों को स्थिर रखने के साथ साथ विकास को सुगम करने में सहायता करती है, और इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में है, और इस संगठन के प्रबंध निदेशक फ्रांस की क्रिस्टीन लेगार्ड, जो 5 जुलाई 2011 से लगातार अभी तक कार्यरत हैं। आपसे कोई पूछे कि इस संगठन का प्रबंध निदेशक कौन है, तो फ्रांस की क्रिस्टीन लेगार्ड हैं जो 5 जुलाई 2011 को उनका अपॉइंटमेंट हुआ था, नियुक्ति हुई थी, और अभी तक ये कार्यरत हैं। आईएमएफ की स्थापना जुलाई 1944 में की गई थी। विभिन्न देशों की सरकार के 45 प्रतिनिधियों ने अमेरिका के ब्रिटेन वुड्स में बैठकर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक समझौते की तैयारी की थी। 27 दिसंबर 1945 को 29 देशों के समझौतों पर हस्ताक्षर करने के बाद इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई। इस आईएमएफ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा जो कोष है, के कुल 189 सदस्य देश हैं। आईएमएफ का उद्देश्य आर्थिक स्थिरता सुरक्षित करना, आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देना, गरीबी कम करना, रोजगार को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सुविधाजनक बनाना है, ये इसके उद्देश्य हैं। सदस्य देशों की संख्या बढ़ने के साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का काफ़ी रोल बढ़ा है, काफ़ी भूमिका बढ़ी है। कोई भी देश आईएमएफ की सदस्यता के लिए आवेदन कर सकता है। पहले यह आवेदन आईएमएफ के कार्यपालक बोर्ड द्वारा भेजी जाती है। इसके बाद कार्यकारी बोर्ड बोर्ड के गवर्नेंस को उसकी सिफारिश भेजता है और वहाँ स्वीकृति होने पर उस देश को आईएमएफ की सदस्यता मिल जाती है। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि आईएमएफ का गठन कब हुआ था और इसका उद्देश्य क्या है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये आर्थिक स्थिति को किस प्रकार ये बैलेंस करती है, किस प्रकार उसमें स्थिरता बनाए रखती है, ये आईएमएफ का महत्वपूर्ण कार्य है। अब हम आईटीयू, इसको समझने का प्रयास करते हैं, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। ये क्या है और इसके काम क्या हैं, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ। यह भी एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यह अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या करता है, यह रेडियो और दूरसंचार को नियमित करने और मानवीकृत करने हेतु स्थापित की गई थी। इसकी स्थापना पेरिस में 17 मई सन 1865 को हुई थी। इसके मुख्य कार्यों में आते हैं रेडियो वर्णक्रम का मानकीकरण, रेडियो वर्णक्रम का नियतन और विभिन्न देशों के बीच अंतर संबंध प्रबंधन, जिससे अंतर्राष्ट्रीय फोन कॉलों की अनुमति दी जा सके। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में इसका मुख्यालय है। अब हम यूनेस्को को समझने का प्रयास करते हैं कि UNESCO, यूनेस्को, इसका क्या कार्य है और ये क्या उद्देश्य को लेकर के अभी तक कार्य कर रहा है। हिंदी में कहते हैं इसको संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। फ्रांस के पेरिस में 1946 में ये स्थापित हुई थी। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन, जिसको हिंदी में संयुक्त रूप से हम यूनेस्को के नाम से जानते हैं, यह भी संयुक्त राष्ट्र का एक घटक है, एक निकाय है।
इसका कार्य शिक्षा, प्रकृति तथा समाज विज्ञान, संस्कृति तथा संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना है। संयुक्त राष्ट्र की इस विशेष संस्था का गठन 16 नवंबर 1945 को हुआ था। इसका उद्देश्य शिक्षा, संस्कृति के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से शांति एवं सुरक्षा की स्थापना करना है, ताकि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में वर्णित न्याय, कानून का राज, रूल ऑफ लॉ और मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स एवं मौलिक स्वतंत्रताएं, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल फ्रीडम हेतु वैश्विक सहमति बने, इन सारे कार्यों के लिए इसका उद्देश्य है। अब हम यूनिडो, UNIDO, इसको समझने का प्रयास करते हैं। यूनिडो का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन। ये क्या है? ये ऑस्ट्रिया के वियना में 17 नवंबर 1966 को स्थापित हुई थी। यूनिडो की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा, जनरल असेंबली द्वारा, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के एक स्वायत्त अंग के रूप में की गई थी। नवंबर 1966 में अस्तित्व में आए यूनिडो का उद्देश्य क्या है? औद्योगिक विकास के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र की गतिविधियों के समन्वय को प्रोत्साहित करना एवं उसकी समीक्षा करना है। 1985 में यह संयुक्त राष्ट्र का विशिष्ट अभिकरण बन गया। इसका मुख्यालय वियना में स्थित है, जैसा कि पूर्व में बताया। मार्च 1999 तक यूनिडो के सदस्य देशों की संख्या 168 थी। अमेरिका एवं ऑस्ट्रेलिया ने क्रमशः 1996 और 1997 में अपनी सदस्यता वापस ले ली। विभिन्न कारणों से इसकी जो मेंबरशिप है वो ऑस्ट्रेलिया ने 1997 में और अमेरिका ने 1996 में इसकी मेंबरशिप वापस ले ली थी। अब हम समझते हैं UPU क्या है। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, UPU यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन अर्थात अंतर्राष्ट्रीय डाक संघ। 1878 में वैश्विक डाक संघ को स्वीकार किया गया। 1948 में UPU अर्थात अंतर्राष्ट्रीय डाक संघ संयुक्त राष्ट्र संघ का विशिष्ट अभिकरण बन गया। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन अंतर्राष्ट्रीय डाकों के आदान प्रदान को विनियमित करता है और अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाओं के लिए दरों को तय करता है, रेट्स को ये सर्टिफाई करता है। इसका गठन 1874 में किया गया था और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के बर्न में स्थित है। वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या 192 है। अब हम WHO की चर्चा करेंगे कि WHO क्या है। और हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा पोस्ट कोविड पीरियड में और कोविड के दौरान WHO की बार बार न्यूज़ में चर्चा हुई थी, जिसको कहते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है और इसके कार्य क्या हैं? अर्थात विश्व स्वास्थ्य संगठन, WHO का मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन, ये क्या है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह क्या कार्य करता है। WHO अर्थात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व के देशों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर आपसी सहयोग एवं मानव को स्वास्थ्य संबंधी समझ विकसित करने की संस्था है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के 194 सदस्य देश तथा 2 संबद्ध सदस्य देश हैं। यह संयुक्त राष्ट्र संघ का एक आनुषांगिक इकाई है। इस संस्था की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। इसका उद्देश्य संसार के लोगों के स्वास्थ्य को ऊंचा करना है। WHO का मुख्यालय वही जिनेवा जो शहर है स्विट्जरलैंड में वहाँ स्थित है। इथोपिया के डॉक्टर टेड्रोस एड्रेनोम गेरेवेस विश्व स्वास्थ्य संगठन के नए महासचिव निर्वाचित हुए हैं और कोविड पीरियड में इनकी काफ़ी चर्चा हुई थी, कई बार विवादों के घेरे में भी रहे थे और इसलिए इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है स्वास्थ्य संबंधी दशाओं को विकसित करने में दुनिया में। आशा है कि आपको इन अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के बारे में कुछ संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। परीक्षा में शॉर्ट नोट्स पूछ लिए जाते हैं और इस आधार पर आप इनके जवाब दे सकते हैं। अगले वीडियो लेक्चर में हम इनके आगे की अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों और संस्थाओं का अध्ययन करेंगे।